पेरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके सामने यूकेजी क्लास के लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, यानी मैं अपना जो सिलेबस मैं लेके चल रही हूँ उसको आगे कंटिन्यू करने आई हूँ। तो प्रीवियस पार्ट में, जैसा कि पार्ट फोर में, हमने अभी तक पूरा जो फोनिक वोवेल ए है उसका फोनिक साउंड कवर कर लिया था, जैसे एंड, एट, ऐप, एक्ट। बहुत सारे लोगों ने उसकी वर्कशीट भी ली थी और उन्होंने उसके उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों को पढ़ाया था। अभी मैं बता देने जा रही हूँ इस वीडियो में कि अगर आपने बच्चे को यूकेजी क्लास में ए फोनिक साउंड के वॉवल सारे रिवाइज करवा दिए गए हैं, जिससे जो सीवीसी वर्ड्स बनते हैं, जो थ्री लेटर वर्ड्स बनते हैं, वो आपने उनको कंप्लीट करा दिए हैं, तो अभी नेक्स्ट वॉवल कौन सा लेते हैं? तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वॉवल हम लेते हैं ई। ई का फोनिक साउंड होता है ए, नहीं, ए का होता है ए और इसका होता है ई का ए, जैसे एग, एलिफेंट। तो ई वॉवल लेके हम चलेंगे। तो जो ई वॉवल है, बेसिकली ये हमने बच्चे को एलकेजी क्लास में पढ़ाया था, उसी का ये रिवीजन होता है। तो ई वॉवल को लेके से आप कौन कौन से वर्ड्स बच्चों को, पहले मैं आपको टू लेटर वर्ड बताऊंगी, जो टू लेटर मिलके ही फॉर्मेशन से आप सीवीसी वर्ड बनाओगे। तो बेसिकली हम एन यूज़ करते हैं, ई एन, ऐसे वर्ड्स फॉर्मेशन हमें बताने होते हैं, ऐसे सीवीसी वर्ड्स बताने होते हैं। एन, देन एट, ई टी एट, देन एग, ई जी एग, और एड, ई डी एड। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इससे रिलेटेड आपको वर्कशीट भी दिख रही होंगी। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये देखिए एन, तो एन से अभी हम, आप देख सकते हो, तो किस तरीके से पढ़ेंगे, डेन, हैन, मैन, पेन, टेन, येन। तो बेसिकली आप देख रहे हो रेड के फॉर्मेशन में ये जो लेटर लिखे हुए हैं, तो जो जो फोनिक साउंड है बेसिकली वो सेम रहने वाला है, बट जो फर्स्ट लेटर है वही चेंज होगा। तो अब जैसे पेन, तो आपने बच्चे ने बार बार क्या बोला है, प, पेन, मैन, तो म, मैन। तो देखिए ई एन सेम रहने वाला है, बट बेसिकली बच्चे को फोनिक साउंड इससे समझ में आएगा कि जो उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो रहा है। इसी तरीके से अगर एट की बात करें, तो गेट, लेट, मेट, नेट, पेट, वेट, तो आप देख सकते हो, तो ये वर्ड्स हमें सिखाने हैं। इसी तरीके से एग, तो ये फोर सिखाने हमें, एन, एट, एड और सॉरी एग और एड। तो देखिए बैग, कैग, लेग, पैग, बेड, फेड, लेड, रेड। तो आप दे सकते हो, इसमें आप बहुत सारी वर्कशीट दे सकते हो बच्चे को। तो मैं प्रैक्टिस करा, इसमें प्रैक्टिस कराना होता है बच्चे को। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जब आप इस फॉर्मेशन का, जब बच्चे को प्रैक्टिस करा रहे हो, तो ज़रूर से ज़रूर जो ए फोनिक साउंड है, यानी ए का जो फॉर्मेशन हमने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था, यानी जो हमने बच्चे को पहले पढ़ाया है, उसको मिक्स करके दीजिए, ज़रूर से ज़रूर दीजिए। नहीं तो क्या है, जब ई में बच्चा आता है ना, तो फिर वो ये चीज़ भूल जाता है। जैसे ए से हमने बच्चों को क्या सिखाया था, ऐप, एड, एस, ठीक है, देन एग, एम, एक्स, एब। तो आपको ये सी बी सी वर्ड्स उसमें ज़रूर ही इन्वॉल्व करने हैं, क्योंकि अगर आप ई के लिए आगे बढ़े और आपने ए वाला रिवाइज नहीं करवाया सी बी सी वर्ड्स, तो बच्चे के दिमाग से निकल जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आई, ओ और यू। इसके बाद हमने पढ़ना है ब्लेंडिंग, वर्ड्स की ब्लेंडिंग, जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में डाला है कि वर्ड्स को आप ब्लेंड करके कैसे डाल सकते हो। क्योंकि अभी तो हम बच्चे को फोनिक साउंड सिखाते हैं, सिंपल थ्री लेटर वर्ड, जो ये सी बी सी वर्ड्स होते हैं, बट कई ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें जो साउंड है ना, अब जैसे आप बोलोगे, जैसे कई मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम कार, कार को कैर क्यों नहीं बोले। तो कुछ एक इंग्लिश के ना डेफिनेट अपने रूल्स होते हैं, तो इसमें हम इस चीज़ का तर्क नहीं कर सकते हैं। तो हमें बच्चे को सिखाना पड़ता है वो चीज़, ऐसे कि नहीं बेटा वैक्स बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं, बट कार को कार बोलना होता है। तो कुछ ये इस तरीके के आगे फॉर्मेशन होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि अगर आपने यूकेजी क्लास में फोनिक साउंड ए के सारे फॉर्मेशन बच्चे को सीबीसी लेटर्स के बता दिए हैं, तो आगे आप किसका बताएंगे, ई का फोनिक साउंड, ई का, और ई में आप एट, एन, एग, एड, तो ये यूज़ करेंगे, और इसके बाद हम आई के लिए बढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ से लाइक करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, और ये वर्कशीट्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से वर्कशीट ले सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, और बच्चों को आराम से पढ़ाइए।